हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। चल भाई, बस भाई बढ़िया। तू बता कैसा है? बस मजे में। बता भाई। पाई अरे पाई का क्या चल रहा है भाई? माइन 4-5 साल हो गए माइन करते करते। पाई को को? बिल्कुल और क्या, कब तक भाई। पैसा पाई मिलेगा? नेटवर्क का पैसा कब तक मिलेगा? मतलब तेरे हाँ कहने का मतलब है कि पाई नेटवर्क करोड़पति कब बनाएगा? हाँ कितनी पाई है भाई तेरे पास? मेरे पास है 2200। 2200 पाई है तेरे पास? रिंकू ये मान ले तू 2200 पाई है ना तेरे पास। रिंकू तू सेफ और सुरक्षित तरीके से रख बस, ठीक है? इसमें डेली इजाफा करना है, डेली पाई को बढ़ाना है, मतलब पाई के सिक्के को बढ़ाना है माइनिंग करके, ठीक हाँ, है? वो तो कंटिन्यू चल रहा है। अब तेरे को मुद्दे की बात बताता हूँ, पाई नेटवर्क पैसा कब देगा, ठीक है? पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट जिस दिन आ जाएगा ना रिंकू, जी जिस दिन पाई नेटवर्क किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा उस दिन पाई नेटवर्क तेरे को पैसा देगा। यदि तू अच्छा, चाहे मुझे आज के दिन पाई नेटवर्क पैसा दे, 15 मई 2024 को पैसा दे, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है? बट वो पॉसिबिलिटीज में थोड़ा सा रिस्क है, समझ रहा है? यदि 15 मई को यदि तेरे को आज के दिन पैसा चाहिए, तो आज के दिन भी तेरे सिक्के के बदले तेरे को पैसा मिल सकता है मेरे भाई, बट उसमें रिस्क है, और बहुत जबरदस्त रिस्क है उसमें, ठीक है? मतलब उसमें क्या है, मार्केट में स्कैमर्स बैठे हुए हैं, वो तेरे को डील करेंगे कि हम आपको 100 डॉलर एक पाई के दे देंगे, कोई बोलेगा हम तो आपको 200 रुपये एक पाई के दे देंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट उसमें करना क्या है, अपने को उनके चक्करों में नहीं आना नहीं है। पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल, अपने को पाई नेटवर्क का जो सिक्का है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो अपने को मिलेगी वो मिलेगी जब इसका ओपन मैनेट आ जाएगा, ठीक है? ठीक अब है। यदि ओपन मैनेट की बात करता हूँ तो रिंकू कब इसका ओपन मैनेट आएगा? देख अभी फिलहाल यदि मैं बातें कर रहा हूं तो बातें चल रही है कि 28 जून, ठीक है? 28 अच्छा, जून को पाई का ओपन मैनेट आने की पूरी पूरी संभावना लग रही है अभी, ठीक ये अभी है? अगले में नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ 28 जून को। अच्छा इसमें क्या क्राइटेरिया है, पाई का एक क्राइटेरिया है कि जब तक हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे ना तब हमारा ओपन मैनेट आएगा, ठीक है? अच्छा स्टेप क्या है, पाई नेटवर्क के 3 स्टेप है जो पाई नेटवर्क ने वादा किया हुआ है कि जब जिस दिन हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हमारा ओपन मैनेट आ जाएगा। सुना, ओके। पहला स्टेप क्या है, ये चाह रहे हैं कि हमारे 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन लोग केवाईसी कंप्लीट कर लें। जिस दिन ठीक इसके है, 15 मिलियन लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी रिंकू, उस दिन पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट का एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा और यदि अभी तक मैं केवाईसी की बात करता हूं तो भाई 11 मिलियन लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? हाँ, कईयों की तो हुई हुई नहीं है केवाईसी अभी तक। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 11 मिलियन लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करी है, ठीक है? तो ओपन मैनेट के लिए इनके टारगेट में कितने मिलियन लोगों की केवाईसी कम पड़ रही है, 4 मिलियन लोगों की केवाईसी कम पड़ रही है, ठीक है? दूसरा स्टेप है इनका 10 मिलियन मैनेट माइग्रेटेड, जो कॉइन माइग्रेटेड टू मैननेट की जिसकी अपन सबसे ज्यादा बात करते हैं, जिस दिन इसके 10 मिलियन लोग माइग्रेट टू मैननेट पे अपने कॉइन ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, उस दिन अच्छा पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट आ जाएगा। ये इसका सेकंड स्टेप है। अच्छा अभी यदि माइग्रेट टू मैननेट की बात करता हूं तो रिंकू 5 पॉइंट कुछ मिलियन लोगों ने अभी अपने कॉइन माइग्रेट टू मैननेट पे ट्रांसफर करे हैं, ठीक है? ओके। मतलब 50% लोग ही ऐसे हैं जिनके कॉइन माइग्रेट टू मैननेट पे ट्रांसफर हुए हैं। यदि मैं डेली की एवरेज की बात करता हूँ तो रिंकू पहले तो डेली के 30-30, 35-35 हजार, 50-50 हजार लोगों के जो कॉइन है वो माइग्रेट टू मैननेट पे ट्रांसफर हो रहे थे, बट बीच में जो ये प्रोसेस हुआ था ये कहीं ना कहीं मैनुअली भी स्टार्ट किया गया था, बीच में ऑटोमेटिक भी स्टार्ट हुआ था। मतलब माइग्रेट टू मैननेट का जो इशू है ना वो बहुत बड़ा इशू फिलहाल की डेट में क्रिएट हो चुका है, ये मान के चल तू। जैसा मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, इनका टारगेट 10 मिलियन लोगों का माइग्रेट टू मैननेट करने का है और अभी तक 5 पॉइंट कुछ मिलियन लोगों का ही माइग्रेट टू मैननेट हुआ है, तो इससे मतलब ओनली 50% लोग ही ऐसे हैं जिनके कोई नबी माइग्रेट टू मैननेट पे आए हैं, क्लियर? अच्छा ओके। तीसरा स्टेप ये है, पाई नेटवर्क चाह रहा है कि 100 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन इसके इकोसिस्टम में बन के तैयार हो जाएं। जिस तरीके अच्छा से पाई बुकिंग हुआ, पाई ओआरजी हुआ, पाई गेम हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग, पाई सर्विसेज हुआ, सब कुछ, इस तरीके के 100 एप्लीकेशन इसके इकोसिस्टम में पाई से रिलेटेड बन के तैयार हो जाएं, ठीक है? वो ठीक है। एप्लीकेशन क्या रहेंगे, वो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क के सिक्के को लेने देने का काम करेंगे। उन अच्छा एप्लीकेशन पे यदि कोई भी बंदा यदि आता है तो उनकी जो फी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ पाई नेटवर्क के सिक्के के जरिए ही रहेगी, ठीक है? तो 100 एप्लीकेशन का इनका टारगेट है, बट इनके पास 100 से ज्यादा एप्लीकेशन फिलहाल आ चुकी है, समझ पा रहे हैं? अच्छा
ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला टारगेट तो इनका कंप्लीट हो चुका है, बट इस वाले टारगेट में भी अभी एक कमी है मेरे भाई। इनके पास एक एप्लीकेशन तो बहुत सारे आ चुके हैं, जो इनका फायर साइड फॉर्म था जिनसे ये एप्लीकेशन वगैरह की डिमांड कर रहे थे, काफी एप्लीकेशन पाई नेटवर्क के पास आ चुकी है और रजिस्टर्ड हो चुकी है। बट यदि रिंकू मैं रनिंग की बात करता हूँ, यदि ऑपरेशनल एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 एप्लीकेशन ऐसी है जो फिलहाल वर्किंग पे है। समझ पा रहा है, बंद तो गई है इनके 100 के आसपास एप्लीकेशन, 100 से अबव चली गई है जो इनका टारगेट है, बट जो ऑपरेशनल में है, जो मतलब चल रही है एप्लीकेशन, वो सिर्फ 15 या 20 एप्लीकेशन ऐसी है जो फिलहाल रनिंग में है। ठीक है, तो पाई नेटवर्क के 3 टारगेट, इसको ओपन मैननेट पे लेके आने के लिए 15 मिलियन केवाईसी अभी हुई है, 11 मिलियन केवाईसी, 10 मिलियन माइग्रेट टू मैननेट अभी हुआ है, 5 पॉइंट कुछ मिलियन माइग्रेट टू मैननेट, 100 एप्लीकेशन में सिर्फ 15 से 20 एप्लीकेशन ऐसी है जो रनिंग में है। अच्छा, और ये केवाईसी का स्लॉट आया कि नहीं आया, कहीं जैसे कहीं केवाईसी नहीं हो रही अभी? यार इनको केवाईसी का स्लॉट जब आएगा ना मेरे भाई, तो इंस्टेंट केवाईसी हो जाएगी। अब केवाईसी की जो स्पीड है ना, उसको बूस्टअप कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से लोग केवाईसी के स्लॉट आ रहे हैं लोगों के पास, और लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पा रहे हैं यार। और यदि केवाईसी पेंडिंग में जा रही है, तो लाइवनेस चेक का एक ऑप्शन आया हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, उसके जरिए भी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसबमिट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो तुझे क्या लग रहा है रिंकू, जो 28 जून आने वाली है, ये 28 जून को जो मैंने जो 3 टारगेट तेरे को बताए हैं, ये तुझे क्या लगता है, तू भी पाई नेटवर्क के साथ 4-5 सालों से माइनिंग कर रहा है, तुझे क्या लगता है ये हो पाएगा? भाई लगता तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है ना? हाँ। सेम मेरे को भी मुश्किल लग रहा है रिंकू। ठीक है, सेम मुश्किल लग रहा है कि 28 जून तक शायद ये सारी चीजें कंप्लीट हो पाना मुश्किल है। हाँ, केवाईसी तो हो जाएगी, केवाईसी में कोई इश्यू नहीं है, मेन इश्यू आ रहा है लोगों का माइग्रेट टू मैननेट का, इसी में थोड़ा डाउट है बस। हाँ, जो लास्ट स्टेप है वो अभी तक लोगों की पर्पल कलर में शो कर रही है, और लोगों को 5-5, 6-6 महीने, साल साल, डेढ़ साल इस लोगों को हो चुके हैं। मेरा भी यार 16 महीने के बाद जाके माइग्रेट टू मैननेट कंप्लीट हुआ है एक अकाउंट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइग्रेट टू मैननेट वाला जो इश्यू है यह क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा ओपन नेट में आने से पाई नेटवर्क को कोई भी नहीं रोक सकता भाई। और रिंकू ये बात का चैलेंज है मेरे भाई, यदि पाई नेटवर्क यदि मई या जून के महीने में आ जाती है ना, तो अभी फिलहाल क्रिप्टो का बुल रन चल रहा है, मान ले अभी क्रिप्टो में है ना उछाल आया हुआ है भयंकर वाला, मतलब हर कॉइन बढ़िया बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यदि अभी की डेट में, आज की डेट में यदि पाई नेटवर्क का जो सिक्का है, यदि उसका ओपन मैननेट आ जाता है ना रिंकू, मैं बता रहा हूं तेरे को अचंभित कर देने वाले प्राइस मिलेंगे यार। ठीक है, बट वही है, अभी उनका जो टारगेट है, उनका जो क्राइटेरिया है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि आज की डेट में आ जाए ना, तो भाई बाइनेंस, वजीरेक्स, बिटमार्ट, एल बैंक, सीएमसी, प्रॉबिट ग्लोबल, मतलब जितने भी एक्सचेंज जो इस क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं ना भाई, वो हाथ फैला के बैठे हैं कि कब हमें पाई नेटवर्क के सिक्के को लिस्टेड करने का मौका मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, एक बात और है। हाँ बता। जैसे 18 वर्ष से कम है बट है, हाँ जैसे वो पाई को, पप्पा को माइन करते आ रहे हैं, जैसे उनको अकाउंट बना रहे हैं, मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते केवाईसी? हाँ, मतलब परिवार में किसी भी पर किसी के भी कर सकते हैं। चल उसके बारे में बताता हूँ। अपन मुद्दे पे थे कि मतलब जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ये हाथ फैला के बैठे हुए हैं कि हम पाई नेटवर्क के सिक्के को हम अपने एक्सचेंज पे कहीं ना कहीं लिस्टेड करें। देख इनको इससे दो बेनिफिट होता है, एक तो क्या है, पाई नेटवर्क के जो फॉलोवर्स है, पाई नेटवर्क की जो ऑडियंस है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है। यदि आज भी यदि बाइनेंस को मौका मिलता है, या वजीरेक्स को मौका मिलता है, या एल बैंक को मौका मिलता है, प्रोबिट ग्लोबल को मिलता है, सीएमसी को मिलता है, किसी भी एक्सचेंज को यदि मौका मिलता है पाई नेटवर्क को लिस्टेड करने का, तो मेरे भाई उनकी ऑडियंस देख कितने जबरदस्त तरीके से उनके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। मानता है नहीं मानता? बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं यार, 50 मिलियन पायनियर्स, उससे भी ज्यादा एक्टिव पायनियर्स, ऐसे पायनियर्स हैं जो पाई नेटवर्क के सिक्के की माइनिंग कर रहे हैं यार। यदि वो जाके उस एक्सचेंज पे यदि आपने आपको रजिस्टर्ड करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो उस एप्लीकेशन का कितना जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। मानता है नहीं मानता? बिल्कुल। तो यही बात है मेरे भाई, अभी अपने को इंतजार करना है, या तो 28 जून 2024 को पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट आ सकता है रिंकू, नहीं तो 14 मार्च 2025 पाई डे, पाई डे को पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट जहां तक पॉसिबिलिटी है पूरे पूरे आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। आप तेरे को बताता हूँ, 18 वर्ष से कम बच्चे जो पाई नेटवर्क की माइनिंग को कर रहे हैं। देख रिंकू, पाई नेटवर्क का जो जुनून है ना, वो बच्चे से लेके बुढ़े तक हर आदमी पे पाई नेटवर्क का जुनून है, ये मान ले।
ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल 18 है भाई। साल से कम के भी इतने बच्चे हैं जो पाई नेटवर्क के सिक्के को माइनिंग कर रहे हैं यार। मेरे पास भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैं केवाईसी करना चाहता हूँ, मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ, तो क्या मैं केवाईसी अपने पेरेंट्स के नाम पर, अपने फादर या मदर के नाम पर अपनी केवाईसी को कम्प्लीट कर सकता हूँ? तो रिंकू, उन बच्चों को जो पाई नेटवर्क के बिलो 18 ईयर्स है, उनको एक ही मैसेज देना है, आपको जो केवाईसी करनी है, आपके केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहे मदर के हों चाहे फादर के हों, बट आपकी केवाईसी का जो प्रोफाइल का जो नाम है वो उन डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। समझ बिल्कुल, गया? हाँ समझ गया जैसे सपोज कर प्रोफाइल में नाम है उनका सुभाष, ठीक है, और वो जी। डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं रमेश नाम के, तो वो पाई के जो अकाउंट्स है वो उनका रिजेक्शन में चला जाएगा, उनकी केवाईसी कभी भी कंप्लीट नहीं नहीं होगी। होगी, जिस ठीक है, हिसाब से उन्होंने पाई नेटवर्क का अकाउंट बनाया है, जिस नाम से, जिस डॉक्यूमेंट से उन्होंने पाई नेटवर्क का अकाउंट बनाया है, सेम टू सेम डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही मतलब सटीक तरीके से, फेस बिल्कुल क्लियर, डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर बिल्कुल क्लियर, बैक एंड फ्रंट बिल्कुल क्लियर, फेस का रिकॉग्निशन बिल्कुल क्लियर, मतलब हर तरीके से क्लियर तरीके से केवाईसी करनी है, तब उनकी केवाईसी 100% कंप्लीट हो जाएगी। मतलब प्रोफाइल का नाम और डॉक्यूमेंट्स के नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए, क्लियर। ठीक है। और बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई, देख कुछ लोगों का अनवेरीफाइड बैलेंस भी काफी अधिक बढ़ गया है, मतलब वेरीफाइड बैलेंस तो कम है और अनवेरीफाइड बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। तू कितना बता रहा है, तेरे पास 2200 पाई है, जी तेरा अनवेरीफाइड बैलेंस कितना है? मेरा अनवेरीफाइड तो बहुत कम है, मतलब है 300 समथिंग ही है। तो तूने कम बंदे ऐड करे होंगे ना उसमें? हाँ कम बंदे ऐड कर रहे थे, लेकिन बस वही है, वो माइनिंग नहीं कर रहे। ओके 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 ओके। देख रिंकू मैं बताता हूँ, देख तेरा तो जो क्राइटेरिया है वो कम है, मतलब तू 2200 बता रहा है, 2200 में से 300-400 तेरा अनवेरीफाइड बैलेंस है, बाकी ज्यादातर लोगों की स्थिति बनी हुई है कि यदि उनके पास 2000-2500 पाई है तो उनका जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो 1500 से ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा वो वेरीफाइड बैलेंस में कब कन्वर्ट होगा? जब उसकी टीम के बंदे अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि भाई यदि किसी को अपनी टीम में जोड़ना है तो ऐसे बंदे को जोड़िए जो बंदा अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सके, समझ रहा जी है, जो बंदा अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सके। यदि वो बंदा केवाईसी नहीं कंप्लीट करेगा तो अपना अनवेरीफाइड बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा और अपन उस अनवेरीफाइड बैलेंस को वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन वो अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेगा तो उसका जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रिंकू देख, पाई यूजर्स को एक दिक्कत और आ रही है कि कई पाई यूजर्स हैं वो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाइड नहीं कर पा रहे हैं। कल भी एक बंदे से मेरी काफी देर बात हुई कल भी एक बंदे से, ठीक है। तो यदि किसी भी भाई को पाई नेटवर्क से रिलेटेड यदि कोई भी इश्यूज हैं तो ये जो मैं और रिंकेश जो भी बातें करते हैं ये वीडियो हमारी कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे नजर आ जाएगी, और जैसे ही आप इसके कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे एक मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी आपको इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उस इश्यूज पे आप व्हाट्सअप करके आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन शायद हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ठीक भाई रिंकू मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी लोग रिंकेश को और सुभाष को सुनते हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एसआर क्रिप्टो न्यूज इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश करें। हमारी कोशिश रहती है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उस अपडेट को डिलीवर करने की, ठीक है। तो भाई जिन लोगों जो लोग अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाइड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि आप अपने नंबर पर जियो एयरटेल वोडाफोन जो भी आप यूज में लेते हैं आप एक 10 रुपए का रिचार्ज करिए अपने नंबर पर, 10 रुपए का टॉपअप डालिए। यदि आप 10 रुपए का टॉपअप डालते हैं और उसके बाद यदि आप अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करते हैं तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हैंड टू हैंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैसेज जाता है मेरे भाई वो इंटरनेशनल मैसेज जाता है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और रिंकू देख, पाई नेटवर्क के इतिहास में दो चीजों का कंफर्म ध्यान रखना, दो चीजें तेरे को मिस नहीं करनी है, चाहे तू कुछ भी मिस कर दे पर दो चीज ऐसी है जिनको तू बिल्कुल संभाल के रखना और मिस नहीं करनी है। एक तो जो अपने तेरे वॉलेट की की है, ठीक है, जो तेरे वॉलेट की है उस की को तू बिल्कुल मतलब सिक्योर्ड करके रखना, ये मान के चलना तू, ठीक है। यदि वो की खो जाती है तो तेरे पास एक भी पाई नहीं है, ये मान के चल तू, तेरा जो वॉलेट का बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो एक तो अपनी की संभाल के रखना और एक अपना जो पाई नेटवर्क की जो तू माइनिंग करता है 24 घंटे में एक बार जो माइनिंग वाले बटन पर दबाता है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना।
ठीक है, प्राइस प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं करेंगे अपन कि पाई का प्राइस क्या जा सकता है क्या नहीं जा सकता। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पाई नेटवर्क के प्राइस को प्रेडिक्ट करके बता सके कि हाँ पाई नेटवर्क का ये वाला प्राइस जाने वाला है मेरे भाई, क्योंकि पाई नेटवर्क की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार हो चुकी है और लोगों के पास पता नहीं कितनी करोड़ों पाई लोगों के पास पड़ी हुई है। तो इसके प्राइस को प्रेडिक्ट कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है और इसका प्रेडिक्शन शायद कोई लगा ही नहीं सकता कि पाई नेटवर्क के प्राइस क्या जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो डोंट वेरी, बी हैप्पी, माइनिंग को बंद मत करना ब्रदर। ठीक है, ओके भाई, ओके ब्रदर।